बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एक नया व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आपका भाई लाहौर पहुंच चुका है और अभी हम जा रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में और वहां से जाके अपने पासेज उठाते हैं, तो आपको भी बताते हैं। आपका भाई इस वक्त लिबर्टी के पास जो VVIP गेट है क्रिकेट स्टेडियम का, वहाँ पे पहुँच चुका है और अब यहाँ पे पासेज का इंतजार हो रहा है। मेरे जो दोस्त हैं जिन्होंने पासेज देने थे, उन्होंने बोला है कि लड़का वहाँ से पासेज लेके निकल आया है। 5 मिनट रुकते हैं, वेट करते हैं, पासेज आते हैं, आपको पासेज भी दिखाते हैं और फिर उसके बाद सोचते हैं कि अभी हमारे पास 2-2.5 घंटे हैं मैच शुरू होने में, बल्कि 3 घंटे हैं, तो फिर देखते हैं क्या करना है। चलो जी, माहौल स्टार्ट हो चुका है। ये TCS वाले हैं जिन्होंने टिकट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, प्रिंट निकाल के देने हैं, वो टीम भी आ चुकी है और रौनक लग गई है, PSL स्टार्ट होने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपके भाई को 6 अदद VVIP पासेस मिल चुके हैं और अब हमारे पास बहुत सारा टाइम है और अब हम देखते हैं, कोई लाहौर देखने की कोशिश करते हैं और कोई खाना शाना खाने की कोशिश करते हैं और फिर शाम को जाके इंशाल्लाह मैचेस देखेंगे, बल्कि मैं एक मैच देखेंगे और एक ओपनिंग सेरेमनी देखेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह पासेस तो मुझे मिल गए हैं और नाउ वी आर प्रोसीडिंग टूवर्ड्स द चिड़ियाघर, कहीं मस्जिद देखते हैं अच्छी सी, वहाँ पर नमाज भी पढ़ते हैं और लाहौर का चिड़ियाघर देखते हैं और उसके बाद भी मैच स्टार्ट हो जाएगा तो फिर मैच देखेंगे। तो अभी हम चिड़ियाघर जा रहे हैं और कोई मस्जिद ढूंढ रहे हैं कि नमाज पढ़ लें। अच्छा जी फ्रेंड्स, हमने तो इरादा किया था कि हम कोई शेर देखेंगे, लेकिन चिड़ियाघर में कंस्ट्रक्शन हो रही है जिसकी वजह से चिड़ियाघर बंद हुआ हुआ है, तो अब हमने डिसाइड किया है कि अब हम चलते हैं बादशाही मास और वहाँ जाके नमाज भी पढ़ते हैं और बादशाही मास का विजिट भी करते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी 1.5 घंटा है और फिर उसके बाद फिर मैच देखने के लिए निकलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपका भाई इस वक्त बादशाही मस्जिद और शाही किला के जो एरिया है उसमें आ चुका है, लेकिन हम ज़्यादा घूम फिर नहीं सकेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। बस एक ख्वाहिश थी कि बादशाही मस्जिद में नमाज अदा करें, तो नमाज पढ़ते हैं और थोड़ा सा आपको बादशाही मस्जिद का विजिट करवाते हैं और फिर मैच की तरफ वापस जाएंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपका भाई बादशाही मस्जिद के पास पहुंच चुका है और मोटे बंदे के लिए जो सबसे बड़ा जुल्म होता है वो होता है पैदल चलना। आपके भाई का अराउंड 100 kg वेट है और कम से कम 1.5 किलोमीटर पैदल चल के माशाल्लाह आया है, लेकिन फाइनली वी आर अबाउट टू रीच बादशाही मास्क एंड लेफ्ट साइड पर हमारे हैं शाही किला। तो चलते हैं, पढ़ने सिर्फ नमाज आए हैं, ऑनेस्टली नमाज पढ़ के और फिर निकल जाएंगे। ये तो साथ मुझे कोई गुरुद्वारा वगैरह भी नज़र आ रहा है जी, ये भी देखने की कोशिश करते हैं। ये जी सारी शाही किला की बिल्डिंग है लेफ्ट साइड पे, बट हम लेफ्ट से यूं राइट हो रहे हैं और बादशाही मस्जिद की तरफ जा रहे हैं नमाज पढ़ने। बहुत प्यारी और ख़ूबसूरत बिल्डिंग है जी शाही किला की भी और माशाल्लाह, फिर किसी दिन लाहौर का चक्कर लगा आपके भाई का तो इंशाल्लाह आपको शाही किला पूरा अंदर से डिटेल में दिखाएंगे। फिलहाल वी आर प्रोसीडिंग टूवर्ड्स द बादशाही मस्जिद। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम बादशाही मास्क में एंटर होने लगे हैं, तो आपको बादशाही मास्क दिखाते हैं। माशाल्लाह शाकार है जी, शाकार है बादशाह। मुझे लग रहा है जी कि एंट्रेंस का गेट शायद क्लोज है, लेकिन हम बादशाही मस्जिद को अंदर से भी देखने की कोशिश करते हैं, अल्लाह करे कि अंदर जाने दें। लेकिन क्या हसीन इम्तिजाज है जी, खूबसूरत खूबसूरत माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमने नमाज अदा कर ली है और बस अब हम बादशाही मस्जिद को खुदा हाफिज़ करते हैं और फिर स्टेडियम की तरफ जाते हैं और मैच देखेंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमने जैसा कि बताया है बादशाही मस्जिद भी देख ली, थोड़ी सी आपको भी दिखा दी और नमाज भी अदा कर दी।
इस व्लॉग को हम इसी जगह पे एंड करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक सबको मुसलमानों को 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की तौफीक दे, आमीन। अज़र रब्बानी को इजाज़त दें, अगले व्लॉग में अब आपको इंशाल्लाह अज़र रब्बानी स्टेडियम में मिलेगा PSL का पहला मैच देखते हुए। अल्लाह हाफिज़।